बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। बात करना चाहता हूँ आज दूसरों की इज्जत करने के बारे में। सबसे पहली बात ये कि ये आपने रूल जो है हमेशा याद रखना है कि इज्जत आपने सबको देनी है, रिस्पेक्ट से आपने सबके साथ बात करनी है, प्यार से सबके साथ बात करनी है, एहतराम के साथ सबसे बात करनी है। लेकिन जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ बात करते हैं जो किसी ना किसी वजह से आपसे सही तरह से मुहातिब नहीं होते, आप के एहतराम का जवाब जो है उसी तरह से एहतराम से नहीं देते, तो मैं जितना समझ सका हूँ मेरी नाकस जो एक सोच है वो ये कहती है कि आपने एक अपना फुट जो है ना पीछे कर लेना है। ठीक है, आपने ज़्यादा ओवर नहीं होना, क्योंकि एक आम सी इंसान की फितरत में आता है कि जब आप किसी भी शख्स को उस बंदे के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है ना वो एहतराम सहने की, ये कह लें उसको, या वो रिस्पेक्ट सहने की, तो वो उनको समझ नहीं आएगी कि आप उनका एहतराम क्यों कर रही हैं, आप उनसे रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रही हैं। आपकी आदत होगी कि आप इस तरह बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, स्माइल करके बात करते हैं, लेकिन अगला बंदा जो है उसके अंदर शायद वो अपब्रिंगिंग होगी या फिर उनका इर्द गिर्द उनका माहौल जो है वो ऐसा है कि उनको लगता है कि हर बंदा जो है ना उनके पीछे इसलिए है, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है क्योंकि वो बहुत ऊँचे हैं सोसाइटी में, या फिर उनके अंदर कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है जो किसी और नहीं है। तो मैंने ये नोट किया है कुछ लोगों से बात करके, अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी 99.9% जो बंदे जिससे मेरी बात होती है वो रिस्पेक्ट का जवाब जो है रिस्पेक्ट से देते हैं, प्यार से बात करते हैं। लेकिन कुछ इक्का दुक्का बंदे आप ये कह लें जिनके साथ जब बात होती है तो पता चलता है कि इनको इज़्ज़त रास नहीं आ रही, और जिनको इज़्ज़त रास ना आए इसलिए ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आप अपना रास्ता जो है ना चेंज कर लें। सबसे खूबसूरत तरीन तरीका ये है, आपको बदतमीज़ी नहीं करनी होती लेकिन रास्ता चेंज कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, अब जिन एक दो बंदों से, अब मैं बता रहा हूँ आपको मेरी हज़ारों लोगों से हर महीने बात होती है, हज़ारों में से एक बंदा को इतना बड़ा मानी नहीं रखता, इसलिए उसके बावजूद भी उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरने के से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसी जगह पे जहाँ पर वो बंदा हो तो मैं उस जगह से सलाम दुआ करके दूसरों को आराम से साइड से सलाम करके निकल जाता हूँ, एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं लगाता, एक सेकंड भी नहीं। इससे क्या हुआ, स्ट्रेस लेवल कम हुआ और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करी, मुश्किल आ